हेलो एवरीवन, जर्नी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट सेकंड, यानी बीए सेकंड ईयर का हिंदी लिटरेचर का पेपर, जो कि पेपर सेकंड है हिंदी तत्कथा साहित्य। ये पेपर 2019 में आया था। इस पेपर का फॉर्मेट समझ लीजिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको मिलेगा, पहला क्वेश्चन, उस पहले क्वेश्चन में आपको चार प्रश्न मिलेंगे और चारों प्रश्न जो होंगे वो आपके चार चार नंबर के होंगे। इस हिसाब से आपका जो पहला क्वेश्चन होगा वो हो जाएगा 16 नंबर का। पहला क्वेश्चन आपका 16 नंबर का होगा। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें आपको चार प्रश्न मिलेंगे, चार में से केवल दो प्रश्न आपको करने होंगे। एक का 7 नंबर होगा, यानी कि 14 नंबर का आपका दूसरा प्रश्न हो जाएगा। फिर आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। जो तीसरा प्रश्न होगा आपका, उसमें आपको 7 प्रश्न मिलेंगे, 7 में से कोई भी 5 आपको करने होंगे, जो कि 2 नंबर का एक होगा। इस हिसाब से ये हो जाएंगे 10 नंबर के। पहला प्रश्न 16, दूसरा प्रश्न 14 नंबर के, और फिर तीसरे प्रश्न 10 नंबर का कुल हो जाएगा। फिर आता है चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में ये प्रश्नों की संख्या है, ठीक है। जो चौथा प्रश्न होगा हमारा, वो उसमें आपको मिलेंगे 10 क्वेश्चन, और 10 में से आपको 10 करने होंगे, प्रत्येक का एक नंबर आपको मिलेगा। इस हिसाब से हो जाएगा 10। अब इसको टोटल कर लेते हैं, 14 नंबर 16 नंबर और 14, ये 30 और 10 40 और 10 50, कुल मिला के पूर्णांक हो जाएगा 50 नंबर का, जिसके लिए आपको 3 घंटे का पूरा समय मिलेगा। अब देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जो है वो अधोलिखित गद्यांशों का की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए 4 नंबर। देखिए, इसमें आपका मैंने ऑलरेडी बताया है 4 प्रश्न मिलेंगे, तो ये हो गया। देखिए ये खा हो गया। अब इसमें भी दो क्वेश्चन दे रखे हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इन दोनों में से जो गद्यांश आपको आता हो उस गद्यांश का आपका प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। ये क्यों हो गया और एक क्यों, दो हो गए। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए ये हो गया एक गा और एक ये हो गया घा, 4 हो गए। सबके एक एक ऑप्शनल भी दे रखा है आपको, ये चारों करने हैं। एक इन दोनों में से जो पसंद हो, इन दोनों में से जो आपको आता हो। फिर आ जाता है प्रश्न नंबर दूसरा में देखिए 1 2 3 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 में से कोई 2 आपको करने हैं, 7 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। जैसे कि राग दरबारी उपन्यास के शीर्षक एवं उद्देश्य पर अपने विचार व्यक्त कीजिए, चित्रलेखा उपन्यास की नायिका का चरित्र चित्रण कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी कहानी के उद्भव और विकास पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डालिए, गुंडा कहानी के आधार पर निकु सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए, ये आता है, ठीक है, नहीं तो अथवा भी क्वेश्चन और है, मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है का कहानी कला की दृष्टि से मूल्यांकन कीजिए। फिर आ जाता है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 के लघु उत्तरीय प्रश्न दीजिए, प्रत्येक का आपको 2 नंबर मिलेगा, प्रश्न 7 होंगे, 5 करने होंगे, उपन्यास और कहानी में अंतर लिखिए, 25 चौका 150 का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट देखते हैं हम, राजा निर्वंशिया की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए, बैद जी उपन्यास का राग दरबारी के नायक हैं, विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है सामनाथ का चरित्र चित्रण कीजिए, चित्रलेखा उपन्यास के परिप्रेक्षण में पाप और पुण्य की व्याख्या कीजिए। देखिए, चित्रलेखा बहुत इंपॉर्टेंट है। चीफ की दावत कहानी में माँ बेटे के संबंध की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी में देश काल और वातावरण को स्पष्ट कीजिए। अब आ जाता है प्रश्न नंबर 4, जिसमें 1 नंबर आपको प्रत्येक के लिए मिलेगा, 10 क्वेश्चन है, 10 आपको करने होंगे। पहला देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, मृत्युंजय किस उपन्यास का पात्र है, कर्मभूमि, मृगनयनी, चित्रलेखा या मैला आंचल। तो इसका सही आंसर है चित्रलेखा। नेक्स्ट है प्रेमचंद की प्रथम कहानी है कफन, पंच परमेश्वर, पत्नी या बड़े भाई साहब। तो इसके
जो प्रेमचंद जी की प्रथम कहानी थी वो पंच परमेश्वर मानी जाती है और लास्ट वाली कफन मानी जाती है। तो चित्रलेखा किस स्थान की नर्तकी थी? पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, काशी या फिर अंग? इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है, कौन सी रचना श्रीलाल शुक्ल की नहीं है? सूनी घाटी का सूरज, सीमाएं टूटती हैं, मुर्दा घर, अंगद का पांव। तो सूनी घाटी का सूरज ये भी लाल शुक्ल जी की कहानी है, रचना है। सीमाएं टूटती हैं ये भी, और यहाँ पर आ जाइए अंगद का पांव ये भी। तो यहाँ पर जो है मुर्दा घर जो है वो श्रीलाल शुक्ल की कहानी रचना नहीं है। 2500 का 150 कहानी के लेखक कौन हैं? मोहन राकेश, ज्ञान रंजन, ओम प्रकाश वाल्मीकि या फिर मन्नू भंडारी? इसका आंसर है ओम प्रकाश वाल्मीकि। रंगनाथ किस कृति के पात्र हैं? आदमी का जहर, पहला पड़ाव, यहाँ से वहाँ या फिर राग दरबारी? तो इसका आंसर है राग दरबारी। राजा निर्वंश या किस लेखक की कहानी है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, कमलेश्वर या फिर मन्नू भंडारी? इसका सही आंसर है कमलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, राज दरबारी उपन्यास का घटनास्थल कौन सा है? सिरसागंज, रोहितगंज, शिवपालगंज या शीशगढ़? तो इसका सही आंसर है शिवपालगंज। ये उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल का एक शिवपालगंज छोटा सा क्षेत्र लिया गया है। इसमें राग दरबारी में परिच्छेदों की संख्या है 35, 37, 38 या फिर 39? इसका आंसर होगा 35। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं मन्नू भंडारी, मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि? इसका जो सही आंसर है वो है श्रीलाल शुक्ल जी जो हैं वो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं। ये था बीए पार्ट सेकंड, बीए सेकंड ईयर का हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी साहित्य का पेपर सेकंड, जो कि 2019 में आया था। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।